हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड की, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी और काफ़ी लीडिंग कंपनी है, अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। क्यों दिग्गज कंपनी है इसके बारे में भी हम बताएंगे, किस टाइप से ये आगे मूव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हमें स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ट्रेडर्स को लेना चाहिए, इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए, क्या इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्या ये वेल्थ बना के देगा, कितना डाउनसाइड है, कितनी ग्रोथ है इसके अंदर, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। चार्ट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और न्यूज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इनकी वेबसाइट है, 40 इयर्स इन नेशन बिल्डिंग, रोड्स में है, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में है, बिल्डिंग हाउसिंग में है, वाटर एंड एनवायरमेंट, इरीगेशन, रेलवेज, इंटरनेशनल पावर, मेटल माइनिंग, जो भी फील्ड आप सोच सकते हो सभी फील्ड्स में है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर या GDP या इकोनॉमिक्स कंसर्न करती है, सभी सेक्टर्स में ये अपना अपना हिसाब से वर्टिकल्स में ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हम शेयर मार्केट की देखते हैं तो 60.605% की तेजी के साथ ये बंद हुआ है। 57.65 जो था इसका प्रीवियस क्लोज था, 60.655% की तेजी के साथ ये बिल्कुल बंद होता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं लास्ट वन मंथ में किस टाइप से इसने ट्रेड किया है, ऑलमोस्ट अपने लास्ट वन मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स आप देखेंगे जो 20 डेज के एवरेज वॉल्यूम थे वो 1,65,000 थे, जो कि 2,78,00,000 के आसपास ये वैल्यू बनती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी हाई वॉल्यूम्स के साथ 1,65,00,000 वर्सेज 2,78,00,000 तो इसने वॉल्यूम ट्रेड किया और 5% ये ऊपर गया है। तो काफ़ी हाई वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर गया है और बुलिश नज़र आ रहा है ये काफ़ी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। अगर हम अपनी चेकलिस्ट के पे भी एक बार नज़र डालें तो इंस्टिट्यूशनल वैल्यू जो इसकी है काफ़ी ये लेस पे उस पर काम कर रहा है, तो इसकी जो फेयर वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम बताया गया है कि इसे अभी भी लिया जा सकता है, कोई रेड फ्लैग इसके अंदर नज़र नहीं आता है। अगर आप देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3500 करोड़ की कंपनी है, 452 इसका रैंक है, मॉडरेट रिस्क इसके अंदर दिखाया गया है क्योंकि मोमेंटम में काफ़ी ये रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है, लॉकडाउन होता है या कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब बंद होती है तो इनके रेवेन्यूज पे, इनके प्रॉफिट मार्जिन पे काफ़ी फर्क पड़ता है। और सेकेंडली गवर्नमेंट ऑर्डर्स इनको काफ़ी मिलते हैं तो उसका भी एक फर्क रहता है इस कंपनी के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनी है जैसे मैंने आपको बताया। अगर इसकी मार्केट कैप को देखें 3700 करोड़ की मार्केट कैप है, ROCE को देखें तो 13.6% है, ROE देखें 7.22% की है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.37 के आसपास की है, 1850 करोड़ के आसपास का इसके ऊपर डेट है। तो मैनेजेबल डेट है क्योंकि इस सेक्टर से जुड़ी हुई सभी कंपनीज के ऊपर डेट मिलेगा, बट क्योंकि इसे हाई डेट मिलेगा ये मैनेजेबल डेट है, क्योंकि जब भी ये कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो लोन्स वगैरह लेते हैं जब अपना फ्री फ्लो जो होता है कैश उसको यूज करते हैं, तो डेट इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है। अगर आप इसके नज़र दें तो 81.4 की जो इसकी बुक वैल्यू है ये उस पर ट्रेड कर रहा है 60 के आसपास, यानी 0.75% के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जबकि बाकी आप कंपनी देखेंगे इसे ऊपर ही ट्रेड करती हुई आपको नजर आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड भी 0.33% है, ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बट स्टिल एक डिविडेंड ये पे करता है। 52 वीक लो देखेंगे तो 15.8 का, 52 वीक हाई 62 के आसपास का है। अब हम इसके चार्ट के ऊपर भी नज़र डालें तो ये 200 DMA से ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आएगा, जब इसने क्रॉस किया था 27% वॉल्यूम के साथ ही कि अक्टूबर को 33.75 के लेवल को जब क्रॉस किया था उसके बाद ये बुलिश जोन में बना हुआ है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये अच्छी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, जो दिसंबर 2017 में इनके प्रॉफिट से 96 के आसपास थे, अभी 65 के आसपास हैं ड्यू टू कोविड। जून में इनके जो नेट प्रॉफिट से 16% के आसपास आ गए थे, बट अब ये रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे और 65 के आसपास ये पहुंच गए हैं। OPM को देखें 12% हुआ करते थे, अब 14% के आसपास हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को भी देखेंगे तो 253 की जगह 232 के आसपास नज़र आते हैं, जो कि अब धीरे धीरे रिवर्स हो रहे हैं, और 125 जो जून में थे वहाँ से आप देखिए अच्छा बाउंस बैक इन्होंने किया 232 करोड़ के आसपास का। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो सेल्स जो 2009 में हुआ करती थी 4600 करोड़ के आसपास की थी, अब 8900 के आसपास है, जो कि मार्च 2019 में 12,000 करोड़ को भी टच कर गई थी। OPM देखेंगे 11% की जगह 12% के ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो एक अच्छे मार्जिन के ऊपर ये काम कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे 181 का जो हुआ करता था 337 के आसपास का हो गया, जो कि मार्च 2019 में 579 के आसपास का था, जो काफ़ी अच्छा था, बट मार्च 2020 में देखेंगे आपकी सेल्स भी कम हुई है और साथ में प्रॉफिट्स भी कम आते हुए नज़र आए हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी आगे अगेन ग्रो कर सकती है, बट आप देखेंगे किसी भी ईयर में इन्होंने जो है नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। बैलेंस शीट के ऊपर डेट को देखेंगे तो डेट जो है 2697 करोड़ की जो हुआ करती थी अब 1850 करोड़ के आसपास की है, ये बिल्कुल आपको रिड्यूस होती हुई नज़र आई है। रिड्यूस होने से इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी इनकी और नेट प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। रिजल्ट देखेंगे
1680 करोड़ के जो रिजर्व हुआ करते थे, 4800 करोड़ के आसपास के इनके रिजर्व हैं। एसेट्स देखेंगे 6700 करोड़ की जगह 13000 करोड़ के आसपास के इनके एसेट्स हैं। तो जो एक मेन कंसर्न नजर आता है वो एक डेट का नजर आता है जो कि रिड्यूस हो रही है। तो ये रिड्यूस होगी तो और भी अच्छी ये कंपनी बन सकती है। मेन कंसर्न एक और नजर आता है डेब्टर डेज का, जो कि 97 थे उससे इंक्रीज होकर 112 के आसपास हो गए हैं। तो ये डेब्टर डेज जो है कम होने चाहिए, बट ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये एक कंसर्न नजर आता है। बट उससे पहले देखें 2016 से डिक्रीज हुए हैं, बट स्टिल ये काफ़ी हाई हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 19.68 के आसपास की है, जो कि काफ़ी कम नज़र आती है। FII देखें तो स्टेक को इन्होंने रिड्यूस किया है 16% से 9.80 के आसपास है। DII की बात करें, इन्होंने भी रिड्यूस किया है 31.99 से 12.31% के आसपास इन्होंने भी रिड्यूस किया है। पब्लिक की होल्डिंग देखें तो 58% के आसपास की, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर देखें तो रेखा झुंझुनवाला, इनकी जो होल्डिंग है 10.24% के आसपास की। HDFC लाइफ की भी 1.90 है, और HDFC अगर यहाँ पर देखें आप, राकेश झुंझुनवाला की भी 1.90% के आसपास की होल्डिंग इसके अंदर नज़र आती है। तो होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग हाथों में भी शेयर्स हैं, बट पब्लिक होल्डिंग स्टिल काफ़ी है और प्रमोटर्स की होल्डिंग एक कंसर्न है जो कि काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं NCC शेयर जंप 7% आफ्टर राकेश झुंझुनवाला रजिस्ट्रेक, ये दिसंबर की न्यूज है। इन्होंने अपना स्टेक जो है 7% इसके अंदर बढ़ाया है, जो कि आप देख सकते हैं नवंबर 4, 2014 में टिल दिसंबर 3, 2020, इन 6 सालों में पर्सन एक्टिंग इन माई कंसर्ट हैव एक्वायर्ड टोटल इक्विटी जो है NCC की उठाई गई है, ये काफ़ी बड़ी इक्विटी है जो आप देख सकते हैं। दिस अमाउंट ऑफ द इक्विशन ऑफ मोर देन 2% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी ऑफ NCC, तो इसके अंदर स्टेक को बढ़ाया गया आप देख सकते हैं। ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं इनको ग्रोथ नज़र आती है NCC के अंदर, आने वाले फ्यूचर के अंदर इस सेक्टर में ग्रोथ नज़र आती है, तभी इन्होंने अपना जो शेयर है उसको बढ़ाया है। NCC शेयर जंप 7% आफ्टर राकेश झुंझुनवाला रजिस्ट्रेक, तो स्टेक को बढ़ाया गया है इसके अंदर आप देख सकते हैं क्लियर। NCC बैक्स ऑर्डर 8980 इन दिसंबर, आप देख सकते हैं दिसंबर में इनको जो ऑर्डर्स मिले हैं, ये 1 जनवरी को डिक्लेयर किए हैं इन्होंने कि हमें 8900 करोड़ के ऑर्डर्स जो हैं दिसंबर में मिले हैं। आप एक चीज़ नोट करेंगे तो जो अक्टूबर में भी इनको जो ऑर्डर्स थे 3900 के आसपास मिले थे। NCC शेयर रेट ऑन रिसीविंग ऑर्डर्स वर्थ 3900 करोड़, ये आप देख सकते हैं 2 दिसंबर की न्यूज़ है, क्योंकि मंथली ये अपना डिक्लेयर करते हैं कितने ऑर्डर्स इनको मिले हैं। तो नवंबर में भी इनको जो ऑर्डर्स मिले थे 3900 के आसपास के मिले हैं, दिसंबर में जो ऑर्डर्स मिले हैं आप देख सकते हैं 8900 के आसपास मिले। तो ऑर्डर बुक इनकी जो है काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक नज़र आती है। आप देखेंगे ये पहले का इंटरव्यू है इनका, तो इनका जो टारगेट था कि हम जो फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म हुआ था उसके अंदर इनके जो ऑर्डर बुक्स थे लास्ट ईयर 7700 करोड़ के आसपास के जो थे ऑर्डर बुक थे इनके, ऑर्डर बुक थी, जबकि इनका टारगेट जो था कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम 10,000 करोड़ को टच करेंगे और उसे ये क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इनका क्लियर कहना है कि हमने उनको क्रॉस कर लिया है, 10,200 के आसपास से हमने क्रॉस कर लिया है, और विद इन 8 मंथ्स में। ये जो ऑर्डर्स हैं अप टू नवंबर तक के थे, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो दिसंबर के भी ऑर्डर्स हैं 8900 के आसपास के, वो भी अगर ऐड होते हैं तो आप देखेंगे कि ऑर्डर जो है काफ़ी अच्छे बुक वैल्यू इनकी बन चुकी है, ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, जो इनके टारगेट्स थे उससे कहीं ये डबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो 10,000 का टारगेट था ऑर्डर बुक का, उससे भी कहीं ज़्यादा ये नज़र आ रहे हैं जाते हुए। एक इनका जो कंसर्न था, आप देखेंगे जो एक गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ जो पेमेंट का इशू था, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ से भी पैसा पेमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं और वो भी इशू बहुत जल्दी सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। तो वहाँ से भी अगर ये फंड्स आते हैं तो इनके लिए काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से जो इशू हैं वो एडिशनल पेमेंट्स जो है 78 करोड़ की इनको रिसीव हो गई हैं, और बाकी भी पेमेंट्स इनको आती हुई नज़र आएंगी। एक बुलेट प्रोजेक्ट के लिए भी इन्होंने जो है टेंडर किया हुआ है, ये मेट्रो में भी कर रहे हैं, ये बुलेट्स ट्रेन के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ जब भी कुछ इस टाइप की अपॉर्चुनिटी निकलती है ये कंपनी बिल्कुल उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है और काफ़ी एक्टिव रहती है, एक दिग्गज प्लेयर है इसकी, इनको कंसीडर भी किया जाता है, टेंडर्स भी दिए जाते हैं। तो ऑर्डर बुक आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, मंथ ऑन मंथ भी देखेंगे तो नवंबर के ऑर्डर बुक देखिए, फिर दिसंबर की ऑर्डर बुक देखिए, और पूरे फाइनेंशियल ईयर की ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक इसकी नज़र आती है। अगर NCC को देखेंगे तो टारगेट दिए गए हैं सेंट्रल बुकिंग की तरफ से, वो दिए गए हैं 82 के, या आप देखेंगे 9 दिसंबर के आसपास का टारगेट दिया गया था 82 का। अभी ये स्टॉक जो चल रहा है 5960 के हेर फेर में चल रहा है, और अभी भी यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसके अंदर नज़र आती है। तो
ब्रोकर्स की बिल्कुल रेडार पे है, जैसे आपने देखा राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ इसके अंदर उनको नजर आ रहा है, ग्रोथ नजर आ रही है और काफी नीचे गिरा हुआ स्टॉक इस टाइम उनको नजर आ रहा है। देखिए किस टाइप से ये स्टॉक 2018 पे ट्रेड किया करता था जो 140 के आसपास और अभी आपको 60 रुपीज के आसपास मिल रहा है, यानी 50% से लेस की वैल्यू पे ये मिल रहा है। इस टाइम पे ये जब स्टॉक ट्रेड किया करता था 140 के आसपास जो ट्रेड किया करता था, अब यहाँ देखिए 140 के आसपास जब स्टॉक ट्रेड किया करता था उस टाइम कुछ म्यूचुअल फंड्स जो सेबी के रूल्स आए थे म्यूचुअल फंड मिड कैप स्मॉल कैप्स के ऊपर, वहाँ से सभी मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई हुई थी और काफ़ी गिरते हुए वो नजर आए थे, पर उसमें ये शेयर भी था जो कि ये भी काफ़ी गिरा था और यहाँ पर आके कुछ स्टेबल हुआ था तो कोविड की वजह से अगेन ये गिरा और ये शेयर जो जाता हुआ नजर आया आपको 15-16 रुपये के आसपास ये शेयर जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया, यानी 140 का शेयर आपको 15-16 रुपए के आसपास जाता हुआ नजर आया, यानी 90% वो डाउन हुआ और कहीं ना कहीं उसके अंदर फिर वैल्यू बनती हुई नजर आई और स्टॉक देखिए अगेन अच्छा बाउंस बैक किया और 60 रुपीज के आसपास ये नजर आ रहा है। अगर आप इसे इस लेवल के ऊपर देखेंगे, चार्ट के ऊपर देखेंगे, इस लाइन को अगर ये क्रॉस करता है, अब देखिए ये जो लाइन है एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसके लिए इस लाइन को क्रॉस करना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर भी इस लाइन को इसने क्रॉस करने की ट्राई की थी बट यहाँ से ये नीचे गया था, क्रैक्ट हुआ था और अगेन ये इस लेवल के ऊपर दोबारा आया है और इस लेवल को इसे क्रॉस करना जरूरी है जो कि 60-62 के आसपास की रेंज एक बनती है। अगर इसको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये क्रॉस कर देता है तो आपको ये स्टॉक 78-80 के बीच में ईजिली जाता हुआ नज़र आएगा। तो मेन रेजिस्टेंस के ऊपर ये खड़ा हुआ है और डाउन साइड जो बनती है इसकी, अगर जैसे निफ्टी लाइफ टाइम हाई के ऊपर अपना काम कर रहा है, कोई भी करेक्शन इसके अंदर आती है चाहे निफ्टी करेक्ट करे चाहे सेक्टर करेक्ट करे चाहे इसके रिजल्ट्स की वजह से हो, कोई भी अगर इसके अंदर न्यूज आती है तो 52 के आसपास ये स्टॉक बिल्कुल आपको आता हुआ नजर आएगा। बट अगर 52 के आसपास आता है तो लॉन्ग टर्म जो रख सकते हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो थ्योरी है स्टोरी है पूरी इंडिया की ग्रो करेगी तो वो इस शेयर के अंदर बन सकते हैं। डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है इसके अंदर और जिस हिसाब से स्टेक को बढ़ाया जा रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन आगे अच्छे होते हुए नजर आएंगे तो इसके अंदर बना जाया जा सकता है। कोई भी डिप इसके अंदर आता है 52 के आसपास का तो इसको अकोमुलेट किया जा सकता है और ये आपको विद इन 2 or 3 ईयर्स आपको डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दिखाता हुआ नजर आएगा। आप पहले भी देखेंगे तो अच्छा इसने अब देखिए अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक रहता था और अभी भी ये अप ट्रेंड के अंदर ही आपको नजर आएगा। इसके ऊपर हम सुपर ट्रेंड को भी एक बार लगा के देखते हैं कि ट्रेंड किस टाइप का है इसका। तो ट्रेंड आप देखेंगे बिल्कुल ट्रेंड जो है एक अप ट्रेंड की ओर ही इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडिकेट किया गया था कि 28 सितंबर को कि 33 रुपए के लेवल पे इसे खरीदा जा सकता है और ये देखिए किस टाइप से अप ट्रेंड में रहा है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के लाइन के नीचे अगर कोई स्टॉक जाता है तो मतलब नहीं होता, बेसिकली उसकी क्लोजिंग से मतलब होता है। यहाँ पर इसने ब्रिज जरूर किया था 22 सितंबर के आसपास बट क्लोज इसके ऊपर ही हुआ था। तो 52 का ये इंडिकेट कर रहा है 51 का कि इस लेवल को आप स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बन सकते हो। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो 51-52 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो बिल्कुल उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी मान के चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बन सकते हैं। अगर हम RSI की भी बात करें तो RSI आपको 66 के आसपास नजर आएगी और देखिए यहाँ पर एक ओवरबोट जोन में चली गई थी बट अब करेक्ट होकर 66 के आसपास है जो कि अच्छा दिखा रही है, ना तो ये ओवरबोट जोन में ना ओवरसोल्ड जोन में है। पिवट पॉइंट की भी हम बात करें तो देखिए पिवट पॉइंट ये अपने इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है जो है 48-49 के आसपास और इस लेवल को ये अच्छा सपोर्ट माना हुआ है 52 का। तो ये बिल्कुल एक अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है और जैसे ही 62 के लेवल को ये ब्रेक करता है तो 78-80 के लेवल से आपको इजिली शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकता है। अच्छा मोमेंटम में रहता है स्टॉक, जब चलता है कोई भी अच्छी न्यूज आती है तो ये अच्छा चलता है और रिजल्ट्स भी इसके बताए जा रहे हैं आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स ये शो कर सकता है और इसको डाउन साइड में अकोमोडेट किया जा सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपने होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर डाउन साइड जैसे ही आता है तो अकोमोडेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।